राजस्थान प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज़ में ये हमारी आर्ट एंड कल्चर की दूसरी क्लास है। इससे पहले क्लास कल कराई गई थी, तो जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो छूट गई थी वो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। जैसे क्या क्या डिस्कस होने वाला है इस क्लास में, एक तो लोक संगीत, गीत, लोकवाद, उसके बाद में लोक नृत्य क्या है राजस्थान में, लोक नाट्य क्या है, देवता देवी क्या है यहाँ पर, मेले त्यौहार कौन से होते हैं, वेशभूषा क्या है, आभूषण क्या है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति में रहन सहन कैसा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी लिंक शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट। पहला ही क्वेश्चन है, महारी बरसाले री मुमल हालेनी ए एलिजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? तो ये जैसलमेर का क्षेत्र है, जैसलमेर का क्षेत्र जिसका ये गीत है। क्लियर है। नेक्स्ट है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो कौन सा मुमल गीत है वो जो एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। नेक्स्ट चलते हैं, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो ये भील स्त्री से है इसका संबंध, कहाँ पे? मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं कौन सा है? यह है हमसीडो, हमसीडो के नाम से है। नेक्स्ट है, लंगूरिया लोकगीत है, ये क्या है? ये भक्ति गीत है ये। नेक्स्ट है कि लंगूरिया गीत का संबंध किससे है? तो यह केला देवी से इसका संबंध है। नेक्स्ट, लंगूरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो कहाँ पर? केला देवी में गाया जाता है। नेक्स्ट, पटेलिया बीछियो बे लालर क्या है? तो क्या है? राजस्थानी लोकगीत है ये। पटेलिया बीछियो लालर माछर क्या है? ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत। पावड़ गीत कब गाया जाता है? तो पावड़ गीत गाया जाता है ससुराल में जवाई के आने पर गाया जाता है। अब याद रहे आपको, जैसे जवाई आएंगे ससुराल में तो ये गीत गाया जाता है। पावड़ा नामक गीत गाए जाते हैं कब? नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत। कितना बेहतरीन चीज़ है भाई, तो आपकी भी जल्दी जल्दी शादी होगी तो ये गीत को ज़रूर सुनना। तो पंडित जसराज का संबंध है किससे? मेवाती घराने से। नृत्य की कत्थक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो ये जयपुर घराना है। नेक्स्ट है, ये श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय गीत का नाम क्या है? तो इसका नाम है ये तीज। कब गाया था? ये श्रावण माह में गाया जाता है, तो इसका नाम है तीज। नेक्स्ट है, ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? तो ये है मनरंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? तो ये उमंग, वियोग या हृदय की पीड़ा, ये सभी के परिचायक हैं। राजस्थान में झारोबा गीत है, ये क्या है? एक बिरग गीत है, एक बिरह गीत है ये। कहाँ पे गाया जाता? ये जैसलमेर में गाया जाता है, पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत ये झारोबा है। ये झारोबा लोकगीत का संबंध है, तो ये कहाँ से? जैसलमेर से संबंध है, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर। जब पति विदेश जाता तब ये गाया जाता है। होलार राजस्थानी लोकगीत है जो डैश डैश के अवसर पर गाए जाते हैं, किसके? शिशु के जन्म पर ही गाए जाने वाला गीत है, इसका नाम है होलार। कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आती है? तो कौन सी? ध्रुपद नहीं आती है लोक गायकी की श्रेणी में। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो मानसिंह तोमर के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध ध्रुपद से है? तो किसका? स्वामी हरिदास का संबंध ध्रुपद से है। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संगीत से था संबंध। गोहरहारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? तो ध्रुपद गायकी से है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो गायन से है ये। जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता बरकी बारात का डेरा देखने पर। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये घोड़ी गीत बर निवासियों पर घुड़चढ़ी रस्म के समय ये गाया जाता है। दूसरा जच्चा गीत है, परिवार में बालक के जन्म पर, जच्चा बच्चा। तीसरा है जला गीत, तो बालक के जन्म पर नहीं गाया जाता है जला गीत, ये तीसरा ही गलत है इसमें। नेक्स्ट है, इंडोड़ी लोकगीत गाया जाता है, इंडोड़ी लोकगीत कब गाया जाता है? महिलाओं द्वारा कुएं में से पानी निकालते समय गाया जाता है, तो काफ़ी अच्छा है, तो पानी निकालने में दिक्कत नहीं होती होगी, है ना, क्योंकि ध्यान बढ़ जाता है ना फिर। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कत्थक के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? ये भानुजी महाराज।
अब कुछ और घरानों के देख लेते हैं, इनके प्रवर्तक। जयपुर घराने कौन है? ये है मनरंग भूपत खां। डागर घराने के हैं बहराम खां। सोनिया घराने के तानसेन के पुत्र सूरज सेन। रंगीला घराने के रमजान मियाँ या फिर मियाँ रंगीले। देखिए रैसे रंगीला आ गया, रैसे रमजान आ गया, सहसे सोनिया आ गया और ये सूरज सेन आ गया। कत्थक घराने जयपुर के कौन है? भानु जी हैं। मेवाती घराने कौन है? उस्ताद खगे नजीर खां। एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, कौन सा नहीं है? ये कुर्जा नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह किसका कथन है? तो ये कथन है देवेंद्र सत्यार्थी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रतबाई लोकगीत का किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं मेवात में। क्या नाम है इनका? रतबाई। ओलियू राजस्थानी लोक जीवन में किस अवसर पर से संबंधित है? तो ये पुत्री के विवाह से संबंधित है, ये बढ़िया बात है। चलिए घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मरुस्थली क्षेत्र से संबंधित है। अब कुछ और लोकगीत देख लेते हैं, जैसे गीत का नाम क्या है? ये लांगूरिया द्वीप है, करौली क्षेत्र में गाया जाता है, केला देवी के मेले पर चैत्र माह में। दूसरा ये पंछीड़ा है, हड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है मेले के अवसर पर। बिछुड़ी ये हड़ौती क्षेत्र का किसी भी समय गा सकते हैं इसको। चिरमी मालवा क्षेत्र में चिरमी बहुत प्रतिरोप की जाती है, ठीक है। चलो अब बाकी आगे देखते हैं, लोक बात संगीत और जीवी जातियाँ देख लेते हैं। राजस्थान का राज बद क्या है इसमें? तो ये है आपका अलगोजा। ये क्या होता है? अलगोजा बांसुरी की तरह का होता है और मुंह कलम की तरफ कटा हुआ होता है, इससे जो है बजाते हैं इसको। अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं? तो भाई ये तो क्वेश्चन गलत है, इसमें चार छिद्र होते हैं, बट इसमें पता नहीं क्या माना गया है इसका। कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो अलगोजा बांसुरी की तरह ही बजाया जाता है। मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा मुँह से ही बजाया जाता है। कौन सा सुशीर वाद्य है? तो कौन सा अलगोजा है, सुमिलित कीजिए। तो अभी हमने देखा था, क्या देखा था? अलगोजा ये सुशीर वाद्य है, तो ये इसका आंसर ये हो गया। तो दो तो आंसर नहीं होंगे। उसके बाद में पहले का एक तारा क्या है? ये तत्वाद है। उसके बाद छाछ का देखा था हमने, ये क्या है? छाछ ये धनवाद है और मादन क्या है? ये अवनतवाद है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्रों से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो रवाज मुँह से नहीं बजाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य ये अवनद्र श्रेणी में आता है? तो कौन सा मांदल आता है। कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? बांकिया नहीं है। बांकिया सिंगी टोटा लोक वाद्य किस परंपरा से संबंधित है? तो ये सुशीर वाद्य से संबंधित है। रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये किसका घन वाद्य यंत्र है। कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? वाद्य यंत्र नहीं है। कौन सा सुशीर वाद्य नहीं है? तो इसमें केवल ये कमायचा सुशीर वाद्य नहीं है। रबाब चिकारा चौतारा किस प्रकार के वाद्य हैं? तो ये तत्वाद है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तो रावण हत्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद है? तो कौन सा ही है? रवाज है। चौतारा रामायचा कौन से लोकवाद परंपरा से जुड़े हैं? तो ये तत्वाद से जुड़े हुए हैं। तत् लोकवाद यंत्र नहीं है, कौन सा? तो मांदल नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? तो ये सतारा नहीं है। कौन सा सुशीर वाद है? तो ये आपका सतारा है। तत्वाद नहीं है, कौन सा? अलगोजा। नेक्स्ट है, रावणहत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो रावणहत्ता तत्वाद है। तो ये देख लो रावणहत्ता। नेक्स्ट है, फण बेचते समय बाबूजी के भोपों का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह है रावणहत्ता। रावणहत्ते को निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो ये नारियल से बनाया जाता है इसको। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जड़ा होता है? इसको रावणहत्ता ही कहते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है इसमें? तो नागफनी वाद्य यंत्र नहीं है। तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये जंतर है। देव नारायण जी के फड़ के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? जंतर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो कौन से का? बाउल का संबंध राजस्थान से नहीं है, ये पश्चिम बंगाल से है। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो ये देव नारायण जी भोपे के द्वारा बजाया जाता है। कमायचा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसलिए डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन ही। कमायचा देख लेते हैं, ये वाद्य यंत्र सारंगी की तरह का होता है, इसमें इसकी चौड़ाई इतनी होती है,
और इसमें 17 तारे लगी होती हैं, जिसमें 3 तारे बकरे की आँख से बनाई जाती हैं। चलो बहुत खतरनाक है। तो फिर तो कौन सा कथन कामयात्रा के बारे में असत्य है? तो कमायचा, सॉरी कमायात्रा नहीं, कमायचा के बायलिन का अग्रगामी माना जाता है, तो ये बात असत्य है। नेक्स्ट है, सुसिर वाद्य यंत्र नहीं है कौन सा? तो ये सूर्यमंडल नहीं है। मोरचंग यानी कि ज्यूज हॉर्ब, क्या है ये वाद्य यंत्र है? राजस्थान के किस लोक बाद को ज्यूज हॉर्ब भी कहा जाता है? तो किसको? मोरचंग को कहा जाता है। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वारों पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो नौबत है ये। कौन सा संयुग्म है? तो रबाब। ये तत् वाद्य यंत्र है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये ताशा बजाया जाता है। वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मेवात से है टामक का संबंध। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो ढोलक व मंजीरा की आवश्यकता होती है। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो ये कथोड़ियों द्वारा किया जाता है। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग नृत्य में किया जाता है, किसमें? 13 ताली में किया जाता है। वंशावलियों की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला कौन सा वर्ग था? तो ये जागा वर्ग था। नेक्स्ट है, राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? तो विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना। लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेवात से संबंधित है। अलवर जिले के जोगी जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा वाद्य को बजाया जाता? तो कौन सा? भपंग है ये। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद्र, भरतहरी, निहाल दे आदि के ख्याल गीत गाते समय निम्नलिखित में से किस बात का प्रयोग किया जाता है? तो ये सारंगी का प्रयोग किया जाता है। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? तो जोगिया सारंगी बजाई जाती है। कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये नड़ का प्रयोग करते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रजब अली खान वीणा वादक थे, आमिर खान ये सितार वादक थे, अल्लाह ये जलाई भाई ये जो थे मांड गायिका थे, तो ये गलत है। घुरोलियो क्या है? तो ये क्या है? ये कालबेलियो का वाद्य यंत्र है। तो ये कौन से? ये गरासिया जाति का प्रमुख वाद्य है कालबेलिया। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान का एकमात्र लोकवाद्य जिसको डोरी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, तो कौन सा? रावलो का मादल है। राजस्थान में कांवड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वादक बजाया जाता है? तो ये बजाया जाता है तंदूरा। राजस्थान के लोग वाद्य यंत्रों के समय कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? तो ये फूक वाद्य यंत्र बंसिका करण को ये सही नहीं है। एक तरफ तो लोग वाद्य यंत्र, दूसरी तरफ कलाकार हैं, ये आपको बताना है। तो पहला भपंग जहूर खां थे, इससे रिलेटेड, और नड़ से रिलेटेड करणा मिल थे, अलगोजा से रिलेटेड कौन था भाई? ये थे रामना चौधरी, खड़ताल से रिलेटेड सादिक खां थे। तो पहला आंसर आ जाता है इसमें। जहूर खां में बाती ये भपंग वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे। जैसलमेर का प्रसिद्ध नड़वादक है। जयपुर के पदमपुरा निवासी रामनाथ चौधरी ये नाक से अलगोजा बजाते थे। रामनाथ चौधरी का संबंध किस उससे है? तो ये अलगोजा बजाते थे। जाऊर खान किस लोक बस से संबंधित थे? तो भपंग से संबंधित थे। कुछ प्रमुख पूछ लिए थे, उनको देख लेना बस। किस लोकवाद में महारत होने में साकिर खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किसमें? कमायचा में। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? तो ये पुरुषोत्तम दास। नेक्स्ट है, भांड डोली मंगलियार राजस्थान के हैं, क्या हैं ये? पारंपरिक लोक संगीतकार हैं ये। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका सारंगी से है। अब लोक नृत्य देख लेते हैं कुछ। राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर को कहा जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। घूमर नृत्य राज्य की आत्मा कहलाने वाला यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता हुआ है। विशेषकर गणस्योर गणगौर त्यौहार पर महिला नृत्यकियों एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबंद कदम उठाती हैं। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतातम बजाए जाते हैं। ढोलक के साथ में मंजीरा। मछली नृत्य, इस नृत्य का ये एक रूप है। कौन सा? मछली नृत्य। यह नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों में भील आदिवासियों द्वारा ये किया जाता है। घूमर नृत्य के बारे में और देख लेते हैं। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संत रामपुर में ये
महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 में की थी। राजस्थान में तीन प्रकार के घूमर ये प्रचलित हैं। कौन कौन से घूमर? इसमें साधारण स्त्रियाँ भाग लेती हैं, लूर इसमें ग्रासीय जनजातियों की स्त्रियाँ भाग लेती हैं, और घूमरियो इसमें बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चले पढ़ते हैं कौन सा लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? लूर नहीं है। भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो भील जनजाति द्वारा घूमर प्रारंभ किया गया था। किस नृत्य के घूमर नृत्य का आयोजन होता है, किस सूर्य त्यौहार पर, तो गणगौर त्यौहार पर ही किया जाता है। राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम बताइए जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है। नृत्य में एक सम्मावहक लय होती है जो चरमपंथियों में पहुंचने वाली गति पकड़ती है, तो कौन सा? घूमर होती है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी। कब? 1986 में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? महारानी राजमाता गोवर्धन द्वारा। चग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है? सिकावटी क्षेत्र में होता है। गिदड़ एवं चग नृत्य ये पुरुषों के नृत्य हैं। ये राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कौन सा ये सही नहीं है, तो गिदड़ नृत्य सिकावटी क्षेत्र में होता है, ढोल नृत्य जालौर में, डांडिया मारवाड़ में, तो बामरसिया नृत्य बीकानेर में नहीं होता है। कहाँ पर होता है? ये होता है भरतपुर और अलवर क्षेत्र में। बामरसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर और अलवर क्षेत्र का नृत्य है। बम नृत्य जो अलवर और भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है, तो बम से तात्पर्य है नगाड़ा, दूसरा बम समझ जाना आप। तेरा ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है, तो ये रामदेव जी को समर्पित है। नेक्स्ट है तेरा ताली नृत्य का संबंध किस जाति से है, तो कामड़ से है इसका संबंध। बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है कौन सा? तेरा ताली। कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है, तो कौन सा है? नेजा है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रसिद्ध राजस्थानी ये गैर नृत्य में भाग लेते हैं कौन? केवल पुरुष लेते हैं। गैर नृत्य भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, मुख्य से मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है ये कड़ाना कहाँ का? बाड़मेर का ये प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है, तो कौन सा? गैर नृत्य है। गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है, तो ये किया जाता है होली पे। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को क्या कहते हैं, तो इसको रमझोल कहते हैं। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, तो इसको हाथी मना कहते हैं। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किए जाते हैं, तो ये हाथी मना में किए जाते हैं। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये बालर है। बालर कहाँ पे होता है? बालर होता है सिरोही व आबू के क्षेत्र में। गरासिया जनजाति इसको करती है। बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये स्त्री व पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है, कौन सा है? बालर नाम है इसका। बालर नृत्य किस जनजातियों का नृत्य माना जाता है, तो ये किसका? गरासियों का माना जाता है। गरासिया जनजाति का नृत्य शैली है क्या? लूर। नेक्स्ट है कूद नृत्य किस जनजाति का है, तो भाई गरासिया जनजाति का ये कूद नृत्य भी। गिदड़ नृत्य की बात कर लेते हैं अब। गिदड़ नृत्य होली के टाइम पर गाया जाता है, मतलब गायन किया जाता है, सॉरी। गिदड़ नृत्य सिकावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला यह पुरुषों का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है साधु शिकारी सेठ सेठानी दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के ये स्वांग हैं, तो ये गिदड़ नृत्य के ही हैं। सिकावटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गिदड़ नृत्य किया जाता है। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो कौन सा है? वो गिदड़ नृत्य ही है। गिदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है, तो सिकावटी से है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है, तो ये कहाँ पर? बीकानेर में किया जाता है। कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है, तो ये जसनाती है। कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है, तो कौन सा? चरी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है, तो किशनगढ़ में किया जाता है। फल्कुबाई किस नृत्य से संबंधित है, तो फल्कुबाई है चरी से संबंधित। चरी नृत्यांगना कौन है, तो ये फल्कुबाई हैं। राजस्थान में गुर्जर
समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने वाली कला चित्रकृत का कौन सा चरी नृत्य है? ये राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता चरी के नाम से गुजर आए जाते हैं? तो नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है तो कौन सा है? ये कच्ची घोड़ी है। तो कहाँ पे होता है? सेकावटी क्षेत्र में होता है। पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये। नेक्स्ट है कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं कौन? केवल पुरुष करते हैं सेकावटी क्षेत्र में। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है कौन सा है? वो छाज है। कच्ची घोड़ी है तो कच्ची घोड़ी क्या है? व्यावसायिक नृत्य है जो पुरुषों द्वारा किया था सेकावटी क्षेत्र में। कच्ची घोड़ी नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। तो यह एक महिला प्रधान है, महिला प्रधान ने पुरुष करते हैं इसको। राजस्थान के सेकावटी क्षेत्र में होता है, बट ठीक है। विशेषतः विभाग के अवसर पर किया जाता है, ये बात ठीक, ये भी बात ठीक है। यह नृत्य शाहजहाँ के शासनकाल में शुरू हुआ था, ये बात गलत है। तो दूसरा और तीसरा ठीक है। इसमें कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो कौन सा? ये पड़ीहारी होली से संबंधित नृत्य नहीं है। कौन सा नृत्य मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो कौन सा? रणबाजा नृत्य है ये। रतबाई लोक नृत्य संबंधित है किससे? मेवात क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कालबेलिया से। कौन सा युगल नृत्य है ये बताना है आपको। तो ये संकरिया नृत्य है, युगल नृत्य है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पड़ीहारी नृत्य डामोर ये सही सुमेलित नहीं है। द्विचक्रीय नृत्य क्या है? तो ये विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है ये। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा नृत्य शहरीय जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? तो कौन सा है? द्विचक्रीय नृत्य है। नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है कौन सी है? गबरी है। नेक्स्ट है किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य मुख्य पात्र माना जाता है? तो राई है ये। कौन सा कथन असत्य है बताना है आपको। तो देखिए गीदड़ नृत्य आपने देखा सेकावटी क्षेत्र में होता है। कच्ची घोड़ी नृत्य नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है इसमें। और ये तेरह ताली नृत्य कांवड़ जनजाति द्वारा महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो तीसरा इसमें गलत है, राय और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं, यही गलत है। गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है भीलों द्वारा किया जाता है। भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है राई, या तो गवरी दे देगा या राई दे देगा। राय नृत्य संबंधित है तो किससे? भीलों से संबंधित है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो घोटला की विशेषता है। वो घोटला होता कहाँ पर है? घोटला जोधपुर में होता है। घोटला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो जोधपुर से है। मारवाड़ के प्रसिद्ध घोटला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में की गई थी? तो ये की गई थी राव सातल के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट है, थाकना शैली का संबंध किससे है? तो थाकना शैली ढोल नृत्य है। तो कहाँ पर? जालौर और सिवाना क्षेत्र में ये होता है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालौर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? तो ढोल नृत्य है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबो का संबंध किससे है? तो गुलाबो नाम से ही बढ़िया लग रहा है, तो कालबेलिया से है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान का कौन सा नृत्य जो 2010 में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित है? तो कौन सा? कालबेलिया ही है। किस लोक नृत्य में डफली गुरोलियो खंजरी पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया था? तो कौन सी? कालबेलिया में प्रयोग किया जाता है। राजस्थान लोक नृत्य में किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारे पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती हैं? कौन सा होता है? भवाई नृत्य होता है। वो भवाई नृत्य कहाँ पर होता है? ये मेवाड़ क्षेत्र में होता है, आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। नेक्स्ट है, भवाई लोक नृत्य से संबंधित है क्या? कृष्णा ब्यास ये छंगाड़ी। नेक्स्ट है, तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो भवाई की प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट है, पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बागड़ से संबंधित है। बागड़ कौन सा? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में किया था पुरुषों द्वारा। बिंदौरी लोक नृत्य है ये किसका? झालावाड़ में किया जाता है। मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो ये मंडल में प्रचलित है। लंगूरिया नृत्य होते हैं तो कहाँ? ये केला देवी मंदिर में। केला देवी मंदिर कहाँ? करौली जिले में केला देवी मंदिर के मेले में नवरात्रों में किया जाने वाला लंगूरिया नृत्य कहलाता है। नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न में से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? कौन सा? ये देखिए, ढोल मांदल थाली सबका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है,
एक तरफ नृत्य, दूसरी तरफ ये समुदाय हैं। तो पहला है ग्रासिया, ये समुदाय ये करता है मांदल नृत्य। दूसरे की बात है गुजर समुदाय, ये चरी नृत्य करता है। भील समुदाय कौन सा नृत्य करता है? गबरी नृत्य करता है। सारिया समुदाय ये करता है सांग नृत्य। तो बी आंसर ठीक है इसके हिसाब से। तो चलिए देखते हैं, पहला चरी नृत्य कौन करता है? चरी नृत्य करते हैं गुजर, अभी आपने देखा था चरी नृत्य गुजर करते हैं। उसके बाद रणबाजा नृत्य कौन करता है? तो रणबाजा नृत्य करते हैं ये कौन करते हैं? मेव करते हैं। और शंकर नृत्य कौन करता है? ये करता है कालबेलिया। और चक्र नृत्य करते हैं ये, मतलब जो भी ये नाम ये पढ़ लो कंजर, ये भाई ये लोग हैं, मतलब ऐसा टेंशन ना लो आप। तो कौन सा सही सुमेलित है इसमें बताना है आपको। तो चार नृत्य दे रखे हैं और ये क्षेत्र दे रखे हैं। तो ढोल नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ढोल नृत्य तो ये किया जाता है आपका जालौर में। बम नृत्य कहाँ पे होता है? बम नृत्य होता है अलवर भरतपुर में। उसके बाद में एक नृत्य यहाँ से, ये राय नृत्य कहाँ पे होता है? रही डूंगरपुर में होता है। दूसरा आंसर ये आ जाता है। अब ये देख लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो आप, इसका रटने में आसानी होगी। मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ इसको, बस इसका इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए भाई देखिए, अब देखिए क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, जातीय नृत्य, जनजातीय नृत्य, सब अलग अलग किए गए हैं। ढोल क्षेत्रीय नृत्य है, जालौर क्षेत्र में किया जाता है पुरुषों द्वारा। चंग सिखावटी क्षेत्र में होता है। ढप सिखावटी क्षेत्र में होता है। बम नृत्य भरतपुर अलवर क्षेत्र में होता है। डांडिया मारवाड़ में पुरुष करते हैं। सूकर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में होता है। डिग्गापुरी ये टोंक में होता है। गैर ये मेवाड़ में होता है। अग्नि ये होता है बीकानेर में। भैरव ये होता है आपका ब्यावर में। गरबा बांसवाड़ा में होता है, स्त्री करती हैं। ये खारी नृत्य ये होता है मेवाड़ क्षेत्र में। लुम्बर जालौर क्षेत्र में। मांझी मारवाड़ क्षेत्र में। झूमर हड़ौती क्षेत्र में। घूमर मारवाड़ क्षेत्र में। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो देख लो, मुझे लगता है डांग हो गया नाथ द्वारा, मिसल युगल है। नार नृत्य भीलवाड़ा क्षेत्र में। बिंदोरी ये झालवाड़ क्षेत्र में। चरकुला भरतपुर क्षेत्र में। भवाई मेवाड़ क्षेत्र में। कच्ची घोड़ी ये सिखावटी क्षेत्र में। भोपिका नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में। तेरहताली जैसलमेर क्षेत्र में। बाकी गुजर समुदाय करता है चरी नृत्य। मेव समुदाय करता है रतवई और रणबाजा। भाट समुदाय करता है बालदिया। नट समुदाय करता है कठपुतली। कालबेलिया समुदाय तो बागड़िया, स्त्री करती हैं। इंडोली युगल करते हैं। सांकरिया युगल करते हैं। और ये मतलब पटियारी ये भी युगल करते हैं, कालबेलिया नृत्य ही हैं सारे। भील कौन कौन से करते हैं आप देख लेते हैं। गवरी नृत्य हो गया, गैर नृत्य, नेजा, दीवचक्री, युद्ध, घूमर, हाथीमाना, तो ये सारे भील करते हैं। अब ग्रासिया देख लेते हैं। गवारा, भोरिया, रायण, मोरिया, गरबा, और ये गरबा, जवारा, कूद और बालर। कथोड़ी कौन करते हैं? मावलिया, होली। और सहरिया कौन करते हैं? शिकारी, शिकारी, लहंगी, झेला, बेडनी, इंद्रपुरी। कंजर कौन करते हैं? धागड़, चक्री, मछली। मेढ़ा कौन करते हैं? रसिया, नेजा और सुकनी। चलिए भाई अब लोक नाट्य देख लेते हैं। तो रंपत क्या है? ये लोक नाट्य है रंपत। रंपत वस्तु संगीत नाट्य है जो ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों के आधार पर काव्य रचनाओं के माध्यम से अभिनीत किया जाता है। अब राजस्थान के प्रमुख रंपत देख लेते हैं। बीकानेर की रंपत, ये बीकानेर में होली आदि के अवसरों पर किया जाने वाला ये प्रतियोगिताओं से अस्तित्व में आई है। चलिए आगे देखते हैं कि शहर में होली के दौरान रंपत का आयोजन किया जाता है तो कहाँ पे? बीकानेर में किया जाता है। रंपत लोक नृत्य नाटक को निभाने वाले पात्र को किस रूप में जाना जाता है? तो इनको जो है खिलार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है पीर सहाली और ये तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो ये की थी तुर्रा किलंगी ख्याल की रचना। तुर्रा किलंगी लोक नृत्य के रचनाकार कौन थे? तो सहाली और तुकनीर। जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं किससे? तुर्रा कलंगी ख्याल से। तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक हैं किसके? तो शिव और पार्वती के प्रतीक हैं दोनों। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित है? तो सिखावटी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में लच्छीराम
द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया जाता है? तो कुचामणि का परिवर्तन किया जाता है। कुचामणि ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो लच्छीराम है। तो कुचामणि ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कलाकार चेतराम हमीद ये इससे संबंधित है, यही गलत है। राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंधित है? तो ये अलवर में है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है, ये पूछ लिया था बार बार। नेक्स्ट है गोमा मेड़ा कालू कीर और कान गुजरी म्याड़ नार आदि क्या हैं? ये छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा? गवरी है। गवरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है किस पर? शिव और भस्मा सुर की कथा पर। पुरिया नामक पात्र किस ये हिस्सा है किसका? गौरी नृत्य नाटिका का। नेक्स्ट है झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है के बीच बीच में जाकर काम जोकर बीच में जोकर काम करता है। तो पात्र झामटिया एवं खटखड़िया संबंधित है किससे? गौरी नृत्य से। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादो मास में 40 दिन तक गाय ये किया जाता है? तो कौन सा है भाई? ये गौरी 40 दिन तक किया जाता मेवाड़ क्षेत्र में सावन भादो के टाइम पर। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? तो गौरी भील जाति द्वारा किया जाता है। तो गौरी संपूर्ण भारत का एकमात्र दिन में प्रदर्शित किया जाने वाला अरावली के भीलों का एक प्रमुख लोकनाट्य है। तो ये मेनली डूंगरपुर भीलवाड़ा उदयपुर में किया जाता है। चारबेत जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंकी है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गोपी जी भट्ट किस लोक नृत्य के कलाकार हैं? तो ये कलाकार हैं तमाशा के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल जयपुर से संबंधित है? तो कौन सी है? तमाशा। किस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो कहाँ पे? भरतपुर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। क्या है? नौटंकी। गुलाल भाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं नौटंकी लोक नृत्य के लिए, लोक नाटक के लिए। राजस्थान में भवाई नाटक के जन्मदाता कौन है? तो ये है बागा जी। कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? कौन सा है? ये जसमा ओडन। एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया गया तो शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है? तो कौन सा? भवाई है। लोक नाट्य के रूप में बाबूजी का फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। बाबूजी क्या है? बाबूजी ये लोकनायक है इसमें। तो लोक देवता बाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। यह ऊँट जब ऊँट अस्वस्थ होता है तो इनकी मान्यता मांगने पर स्वस्थ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा किया जाने वाला लोक बात कौन सा है? तो रावण हत्या है। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? शाहपुरा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा निवासी श्री लाल जोशी किस कला से संबंधित हैं? तो ये फड़ से संबंधित हैं। राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाला है? तो कौन सा? जानकी लाल द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल ये भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? तो स्वांग से है। इंपॉर्टेंट है कौन सा राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो कौन से नहीं है इसमें? ये डाढ़ी नहीं है। डाढ़ी कहाँ की है? ये डाढ़ी जैसलमेर में कलाकार अधिक संख्या में बसे हुए हैं। तो इन कलाकारों को अब मांगडियार के नाम से जाना जाता है। ये चिकारा और लोग बाजी बज जाते हैं। इनकी स्त्रियां गाती हैं किंतु नाचती नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तो कठपुतली है ये। चलिए नेक्स्ट है। किस कलाकार ने गोपी चंद हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया है? तो कौन से? वासुदेव भट्ट ने किया है। चलिए नेक्स्ट है। चारबेत कला का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो अब्दुल करीम खां को माना जाता है। कहाँ पे? ये टोंक नगर में ये प्रचारित हैं इधर। नेक्स्ट है सम्मिलित कीजिए। तो कुचामल ख्याल तो पहला है ये लक्ष्मीराम का। सेगावटी ख्याल ये तेज कवि जैसलमेरी नहीं सॉरी सेगावटी ख्याल ये दुलिया राणा का है। उसके बाद में बात करते हैं रमपत की। तो ये तेजस्वी का ये तेज कवि का है।
तमाशा, ये तमाशा आपका ये हो गया, ये बंसीधर का, तो सी आंसर आया था इसका। अब इसमें आते हैं रंपत, तो आपने देखा होगा बीकानेर जैसलमेर में गाया जाता है। तमाशा आपने देखा जयपुर की तरफ होता है। और भवाई की बात करें तो इसमें भवाई कहाँ पर होता है, ये होता है आपका गुजरात राज्य सटे हुए क्षेत्र में, और ये मेवाड़, ये गबरी होता है इधर, तो आपका भी आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नौटंकी की बात करें तो नौटंकी कहाँ पर, धौलपुर या इधर भरतपुर क्षेत्र में होता है। रंपत कहाँ पर होता है, बीकानेर में होता है। तमाशा कहाँ होता है, तमाशा होता है आपका जयपुर में। बाकी तुर्रा कलंगी का होता है मेवाड़ में, तो आप इसके हिसाब से आपका ये आंसर आ जाता है। अब लोक संत एवं संप्रदाय देख लेते हैं कुछ। कौन सा संप्रदाय निर्गुण उपासक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नाथ निर्गुण उपासक नहीं है। बाकी निर्गुण भक्ति संप्रदाय कौन कौन संबंधित है, देखिए इनमें मुख्यतः कौन से हैं, जसनाथी, दादूपंथी, परनामी, राम स्नेही, ये निरंजनी, लालदासी और कबीरपंथी संप्रदाय इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है, तो भाई कौन सा, रामदासी नहीं है। सहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह कौन सा है, तो राम स्नेही कहाँ पर, सहपुरा भीलवाड़ा में संस्थापक रामचरण जी यहाँ पर ही जन्म हुआ था इनका। चलिए नेक्स्ट है राम स्नेही संप्रदाय की सहपुरा साधक के संस्थापक कौन है, रामचरण जी हैं। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ गद्दी कहाँ पर स्थित है, तो गद्दी स्थित है इनके भीलवाड़ा में ही। संत दरियाबाजी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे, तो ये रेड़ शाखा के प्रवर्तक थे। राम स्नेही संप्रदाय की रेड़ शाखा के प्रवर्तक थे कौन, ये दरिया जी। नेक्स्ट है राम स्नेही संप्रदाय की शाखा और प्रवर्तक बता रहे हैं आपको, तो पहले ये देखिए, सबसे पहले देखते हैं शाहपुरा के, आप जानते हैं रामचरण जी थे। उसके बाद पहले का सिंथल का कौन थे, संत हरिराम थे। ये बात करते हैं एक खेड़ा, बाकी ये संत रामदास थे और इनका रेण के संत दरियाब थे, तो भी आंसर आ जाता है। राम स्नेही संप्रदाय का सिंथल शाखा के प्रवर्तक कौन थे, तो थे राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे, तो रामचरण जी पैदा हुए थे सोड़ा डिग्गी में। राम स्नेही संप्रदाय अपने फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं, तो ये शाहपुरा में मनाते हैं। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है तो कहाँ पर, राम स्नेही पंथ द्वारा, कहाँ, ये भीलवाड़ा में मनाया जाता है। ये शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है, तो चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से पंचमी तक चलता है ये। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था, तो किसने, जाम्बोजी ने जान लिया था ये। नेक्स्ट है संत जाम्बोजी का जन्म स्थान कौन सा है, तो नागौर में है ये, नागौर जिले में। अगर गांव पूछ रहे तो ये इनका गांव का नाम है ये पीपा सर। गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी किसने, ये जाम्बोजी ने। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोट जी था, इनके जाम्बोजी के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है, तो आप जानते हैं बिश्नोई को जाना जाता है। जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं, बिश्नोई के नाम से जाने जाते हैं। तो जाम्बोजी ने 1485 में बीकानेर के संबत्थल धोरा नामक स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। अब इसके इतने नियम हैं, कितने, 29 नियम हैं। चलिए नेक्स्ट है, जाम्बोजी ने संबत्थल धोरा यानी कि बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, तो इस संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं, 29 नियमों का पालन करते हैं। जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए, तो क्या, बिश्नोई कहलाए। बिश्नोई निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं, तो ये जाम्बोजी की पूजा करते हैं। किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोड़ दिया, तो किसने, जाम्बोजी ने दिया। कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक प्रवर्तक था, तो कौन थे, जाम्बोजी थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा जाना निश्चित है, तो इसको तो देख लो आप। तो संबत्थल धोरा स्थित है कहाँ पे, बीकानेर में स्थित है। संत जाम्बोजी को समाधिष्ठ किया गया था कहाँ पे, ये मुकाम में ये किया गया था, कहाँ, बीकानेर जिला में। नेक्स्ट है मुकाम प्रसिद्ध है किसके लिए, बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो करतियारपुर में उन्हें 12 वर्ष तक साधना की, ये बात गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जसनाथ जी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो जसनाथ जी द्वारा की गई थी, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, यानी कि ये डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है सिंहुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय का उपदेश है, तो जसनाथ संप्रदाय का, ये यहाँ पे
उपदेश है। जसनाथ संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासती राज्य में हुई है? तो ये बीकानेर में हुई है। जसनाथ संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? तो इनके नियमों की संख्या है 36, जबकि बिश्नोई समुदाय की कितनी थी? 29 थी। कौन सा जसनाथ जी संप्रदाय का मुख्य गद्दी है? तो कहाँ पर? कतरियारसर में मुख्य गद्दी है। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरियारसर में से संबंधित है? तो कौन से? ये सिद्ध जसनाथ। लिख मादेसर और पुनरासर मालासर किस संप्रदाय की पीठें हैं? तो जसनाथ जी की पीठें हैं ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बबलू लिखमोदर पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जसनाथ जी से संबंधित हैं। लालनाथ जी चोखनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये जसनाथ जी से संबंधित हैं। मध्यकाल मैवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो लालदास थे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? तो कौन थे? लालदास जी संप्रदाय के। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? तो लालजी संप्रदाय वैष्णव नहीं है। नेक्स्ट है गोलू दूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लाल ये दास जी संप्रदाय से संबंधित है। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? तो भाई कौन था? लालदास जी थे। संत लालदास डैश डैश के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। किसके लिए? संप्रदाय सद्भाव के लिए। नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लालदास जी से संबंधित है। नेक्स्ट है चरणदास संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो दिल्ली में है ये। चलिए नेक्स्ट है। नारी संत दया बाई शिष्यां थी किसकी? तो चरणदास जी की शिष्या थी ये। सहजोबाई गुरु कौन होता था? सहजोबाई का गुरु कौन था? तो कौन ये थे? चरणदास। हरनामा गांव किस संत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है? तो राणाबाई से संबंधित है ये। राजस्थान की दूसरी मेरा संत राणाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरनामा में हुआ था। राजस्थान में बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख ये धार्मिक स्थल कौन सा है? तो नाथद्वारा है। इसमें सुमेलित करना है आपको। तो द्वारकाधीश ये कांकरोली में है, उसके बाद में श्रीनाथ जी नाथद्वारा में, मथुरा ये मथुराधीश ये कोटा में, गोविंद देव जी ये जयपुर में। तो इसका आपका पहला आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो मेवाड़ क्षेत्र है ये। मीराबाई के पिता कौन थे? तो मीराबाई के पिता थे रतन सिंह। इनके बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 16वीं सदी में मीराबाई बचपन नाम पेमल था इनका, और जन्म कुंडकी यानी कि नागौर परगना में वर्तमान में पाली में हुआ था। इनके पिता रतन सिंह थे। मीराबाई के पति कौन थे? ये भोजराज थे, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र। तो कुछ समय पश्चात मीराबाई ये द्वारका चली गई थी। वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। अब देख लेते हैं कि मीराबाई सदी की कवयित्री हैं कौन सी? 16वीं सदी की। कौन सा मीराबाई का जन्मस्थान है? तो आपने देखा कुड़की जन्मस्थान मीराबाई का है। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा के पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम था भोजराज। मीरा ने अपना अंतिम समय किस इस स्थान पर? तो द्वारका में बिताया था। संत मीराबाई का जन्मस्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पाली में स्थित है ये। दासी मत का संबंध किससे है? तो मीरा से है। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामा जी ने रूसणों की रचना की थी? तो कौन से? मीराबाई। कौन सी रचना मीराबाई की है इसमें? तो पद्मावली मीराबाई की है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? तो भक्ति मोक्ष का साधन है। राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य का त्याग कर गुरु मंडलों में सम्मानित हुए थे? तो कौन से भाई? ये पीपा जी थे। संत पीपा जी का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गागरोण में है। संत पीपा के गुरु का नाम क्या था पूछा जा सकता है? तो इनका नाम था रामानंद। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित हैं? तो ये गागरोण से संबंधित हैं। संत पीपा की गुफा कहाँ है? तो इनकी गुफा कहाँ थी? ये थी टोडा में। अब पूछेगा टोडा कहाँ है? तो टोडा भाई टोंक में। संत धन्ना का जन्म स्थान किस जिले में हुआ है? तो टोंक में इनका जन्म स्थान था ये। तो राजस्थान में वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे? कौन ये थे? धन्ना थे। भक्ति आंदोलन के राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? तो दादू थे। अब इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद के गुजरात में ये हुआ था। जयपुर के नारायण घराना नामक स्थान पर दादू खोल दादू पंथियों की मुख्य गद्दी स्थित है। कहाँ पर? ये आपकी जयपुर के नारायण में, यहाँ पर दादू खोल में।
अब इन्होंने 1574 में ये परम्परा संप्रदाय यानी दादू संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल के उपदेश, दादू वाणी वे सत्संग अलख दरिवा कहलाते हैं। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। दादूपंथी सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं और नारायणा जयपुर में दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था। दादूपंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है पूछ ली जाती है, तो नारायणा में मुख्य गद्दी है। दादू ने अपना अंतिम समय बिताया उस स्थान का नाम बताइए, तो नारायणा में बिताया था। कौन सा संत, ये कथन जो है संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है, तो उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट है, दादूपंथ में सत्संग स्थल कहलाता तो कौन सा अलख दरिवा, किसे राजस्थान के कबीर के रूप में जाना जाता, तो अभी हमने बताया राजस्थान के कबीर के रूप में दादू दयाल को जाना जाता है। किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं, तो भाई साहब ये दादूपंथ के ये है। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो दादू दयाल ने कायाबेली की रचना की थी। संत गुण सागर बे नाम माला किस संत द्वारा रचित है, तो दादू द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, बखनाजी संत दास और जगन्नाथ दास, संत रजवाजी गरीब दास जी और माधोदास नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से है, तो दादूपंथ से इनका संबंध है। नेक्स्ट है, रजब बाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है, तो दादू से संबंधित है ये। जीवन भारत दूल्हे के बेस में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे, तो ये कौन थे, ये रजब जी थे। दादूपंथ का उपसंप्रदाय नहीं है कौन सा, सतनाम, ये सतनामी नहीं है। उपशाखाएँ कौन सी हैं, खालसा इनकी उपशाखा है, नागा है और उत्तराधि में स्थानधारी है, विरक्त है, उसके बाद में खाकी है। दादूपंथ की कितनी शाखाएँ थीं, तो भाई साहब इनकी 5 शाखाएँ थीं, खालसा खाकी नागा। राजस्थान में किस संप्रदाय के भाग हैं, तो दादूपंथ के भाग हैं ये। दादूपंथ में नागा उपसंप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो नागा के प्रवर्तक थे सुंदर दास। दादू दयाल के निधन के पश्चात दादूपंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था, तो इम्पोर्टेंट है ये गरीब दास को नियुक्त किया गया था। दादू के देहांत के पश्चात नारायण दादूपंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है, तो खालसा का मुख्य स्थान रहा है ये। कौन दादूपंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा गौड़ीय ये सम्मिलित नहीं है। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती हैं, तो डुडाड़ी भाषा में पाई जाती हैं। दादूजी के उपदेशों में लेखन की भाषा सरल डुडाड़ी मिश्रित, ये सदुकड़ी है। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सिकरी आमंत्रित किया गया था वह था कौन, तो दादू दयाल थे। ज्ञान समुद्र बावनी रामची आंटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है, तो सुंदरदास से है। बलिंद जी के गुरु कौन थे, तो ये थे दादू दयाल जी। संत मावाजी का जन्म स्थान कौन सा है, तो ये डूंगरपुर, डूंगरपुर जिले के कहाँ पे, ये आसपुर तहसील के सवाला गांव में जन्मे मावजी ने सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए एक निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कौन सा संप्रदाय मावजी के द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये था निष्कलंकी संप्रदाय। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो मावजी ने की थी। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं कौन, ये रहे हैं ये भिखण जी। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था, तो इसका किया था 1949 में। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं कौन, ये आचार्य श्री तुलसी। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी, तो जोधपुर में ही हुई थी इसकी स्थापना। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है कहाँ पर, जोधपुर में। जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है, तो यह है आपके नाथ पंथ की। राजस्थान में सेब को मानने वाली रियासत कौन सी है, तो ये जोधपुर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है, तो ये लकुलिस है। राजस्थान में कौन सा पूर्व राजवंशीय सेब परंपरा का निर्माण करता है, तो कौन, ये सिसोदिया करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन ये स्थित है, कहाँ पे, सलेमाबाद में। चलिए नेक्स्ट है, सलेमाबाद में निष्कमराचार्य की पीठ की स्थापना किसने की थी, तो भाई साहब ये की थी परशुराम देव जी ने। अनचित्य भेदभाव का संबंध किस संप्रदाय से है, तो इनका संबंध है ये आपका निष्कमर निष्बार्क संप्रदाय से। नेक्स्ट है, बेसणा धर्म
के निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय है? भाई चैतन्य सबसे कम लोकप्रिय है। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो गौरांग महाप्रभु चैतन्य माने जाते हैं। राजस्थान में इसका प्रमुख मंदिर कहाँ पर? गोविंद देव जी जयपुर व मनमोहन देव जी करौली में स्थित है। गोविंद देव जी मंदिर जयपुर एवं मदन मौलवीय मंदिर करौली में का संबंध किससे है? तो ये गोंडलीय से है संबंध इनका। धन्ना भगत के गुरु कौन थे? तो ये रामानंद धन्ना भगत के गुरु थे। उस युक्त को चुनिए जो दोनों संत रामानंद के शिष्य थे, कौन थे? धन्ना बे पीपा। निम्नलिखित स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये बनारस है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है भाई? तो ये हरिदास हैं। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? नागौर जिले के कापड़ोद में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है संत रविदास, ये हरिदास डैश डैश संप्रदाय के संस्थापक है, किसके? निरंजनी के। नेक्स्ट चलते हैं मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? किसके? हरिदास के। संप्रदाय जो नियति की अटलतम इस बात करता है कौन सा है? अजीवक है। इसकी स्थापना किसने की थी? मखली गोसाल ने इसकी स्थापना की थी। ये नियतिवाद भी कहते हैं इसके दर्शन को। भक्ति भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? तो कर्माबाई निवासी थी नागौर की। नेक्स्ट है अल्खिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? लालगिरी ने स्थापना की थी चूरू जिले में। चलिए नेक्स्ट है कौन सा युग्म असुमेलित है? तो अल्खिया संप्रदाय ये जोधपुर में नहीं है, चूरू में भी हमने बताया तो उधर था ये। कहाँ पर? इसकी निरूट या बीकानेर में भी थे, बट जैन का चूरू में हुआ था। नेक्स्ट है कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचायक प्रतीक होता है? तो रावल जोगी का प्रतीक है। सन्यासियों की सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता था? तो हमीद उद दीन नागौरी को जाना जाता था। शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये थे चिश्ती सिलसिले के। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुबाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? तो शेख हमीदुद्दीन थे। काजी हमीदुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो नागौर में प्रथम काजी बनाया गया था पहली बार। किस सूफी को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि दी गई थी? तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी को दी गई थी ये। शेख मोहिद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे उस्मानी हारूनी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अजमेर के ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित हैं, कौन से? चिश्ती। परनामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? तो ये कुजलम स्वरूप में सम्मिलित हैं। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो ये थे अग्रदास। नेक्स्ट चलते हैं सुमेरित करना है इसमें, तो जसनाथ जी किसके थे? ये थे आपके कतरियासर के। वहीं पे बात करते हैं शीतला माता, ये जयपुर चाकसू। जम्बोजी की बात करें तो मुकाम नौका, और जीणा माता की बात करें तो रेवासा सीकर। तो इसका पहला आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सुमेलित करना, एक तरफ तो संत हैं दूसरी तरफ उनका जन्मस्थान है। तो रामदास का जन्मस्थान कौन सा था? ये था बिकम कोर। दूसरी बात करते हैं हम जसनाथ की, तो इनका जन्मस्थान कौन सा था? इनका था ये कतरियासर। वहीं बात करते हैं दरियाब की, तो इनका जैतरण था, और चरणदास इनका था ये डेरा। तो पहला आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है एक तरफ संप्रदाय है दूसरी तरफ पीठ है, यानी गद्दी है इनकी। तो जो गुदड़ संप्रदाय था, गुदड़ संप्रदाय की गद्दी कहाँ थी? दांतड़ा भीलवाड़ा में थी। नवल संप्रदाय की गद्दी कहाँ थी? नवल संप्रदाय की गद्दी थी जोधपुर में। वहीं पर चरणदासी संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर थी? चरणदासी की गद्दी थी इनकी दिल्ली में। और अल्खिया संप्रदाय की गद्दी कहाँ पर थी? ये थी बीकानेर में। तो आपका भी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो जोधपुर में थी। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध हैं कौन? कवि दुर्लभ जी। नेक्स्ट है अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? तो शिव जी की पूजा की जाती थी। संत संप्रदाय सुमेलित हैं, तो रामानुज आप जानते हैं कि किससे? ये विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। माधवाचार्य किससे संबंधित है? ये संबंधित है द्वैतवाद से। और निष्कम किससे संबंधित है? यह है द्वैतवाद से। और वल्लभाचार्य संबंधित है शुद्ध द्वैतवाद से। पहला आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं शेख हमीमुद्दीन मिठे महाबली, तो ये है आपके गागरौन में। मौलाना जियाउद्दीन, तो ये है आपके जयपुर। शेख ये नजमुद्दीन, शेख नजमुद्दीन आपके फतेहपुर। और शेख बाबा इसियाक ये हैं खांटू में। तो पहला आंसर आपका आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है संत जाति इसमें दी हुई हैं तो मैच कराना है।
तो एक तरफ तो ये है आपका जसनाथ, तो जसनाथ जी इसमें, जसनाथ जी कहाँ से थे, तो ये थे आपके, ये जाति कौन सी थी जसनाथ की, इनकी जाति थी जाट। तो पहले में दूसरा ये आ रहा, तो ये आपका आंसर है। इनकी बात करते हैं दूसरे की बात करते हैं लालदास की, तो लालदास की जाति क्या थी, इनके मेव थे। ये बात करते हैं रजब की, इनकी जाति क्या थी, ये पठान थे, इनके जाति इनकी क्या थी, पठान थे। वहीं मिरासी ये मतलब कौन थे, इनकी जाति क्या थी, ये तो गायब हो गया, ये रजब की जाति थी मिरासी, तो नहीं इनकी जाति ये थे, और बखाना की जाति थी मिरासी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब लोक देवता देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, किसको, तेजा जी को माना जाता है। तो जाटों के आराध्य देव तेजा जी की मान्यता, परम गोरक्षक एवं गायों के मुक्तिदाता, ये धोलिया वीर, ये काला एवं बाला के देवता एवं कृषि कार्यों के ये देवता के रूप में जाने जाते हैं। कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन से, तेजा जी को जाना जाता है। ये लाक्षा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस देव, ये कौन लोक देवता की सहायता करते हैं, तो ये तेजा जी सहायता करते हैं। तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है, तो खड़क, ये खड़नाल है, खड़नाल का पर है नागौर में है। नेक्स्ट है, कौन सा लोक देवता माता सुमेलित नहीं है, कौन सा है, देखिए तेजा जी ये रामप्यारी, ये सुमेलित नहीं है। किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी, तो तेजा जी की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तेजा जी का मुख्य तीर्थस्थल कहाँ पर है, तो इनका तीर्थस्थल है कहाँ पर, पर्वतसर में। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजा जी से संबंधित नहीं है, तो पिछे एक संबंधित नहीं है। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम पैमल था। पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, तो तेजा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तेजा जी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो पनेर ननिहाल, ये सुमेलित नहीं है इसका। ये मंदिर श्री भीड़ तेजा जी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो राजस्थान के नागौर में स्थित है। नेक्स्ट है तेजा जी के चबूतरे को थान या पुजारी को डैश कहते हैं, क्या कहा जाता है, घोड़ला कहा जाता है। लोक देवता तेजा जी महाराज का पवित्र तीर्थस्थल बांस दुगारी कहाँ पर स्थित है, तो बूंदी में स्थित है। वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म स्थान है, तो ये कहाँ पर, ददेरवा है चूरू में। गोगामेढ़ी स्थित है कहाँ पर, हनुमानगढ़ में स्थित है। गांव खेजड़ी गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है, वे किस जिले में जन्मे हैं, तो ये चूरू में जन्मे हैं। होली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती हैं, तो भाई साहब 9 गांठें होती हैं। अब गांठें भी आपको बतानी चाहिए। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगाबेड़ी हनुमानगढ़ में ये लगता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर भरता है, तो दूसरा मेला भरता है गोगा जी की ओल्डी साछोर में। चलिए नेक्स्ट है, गोगा जी के गोगामेढ़ी यानी कि नौहर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला भारतीय तिथिक्रम के अनुसार कौन से महीने और तिथि में होता है, तो भादपत्र कृष्णा नवमी में होता है। नेक्स्ट है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है, तो ये गोगा जी का मेला लगता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, जाहर पीर के नाम से कौन सा लोक देवता को ये जाना जाता है, तो गोगा जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो कौन है, गोगा जी थे। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे, तो महमूद गजनवी के समकालीन थे। किसकी बहादुरी की कृति है बिट्ठू मेहा के राबले में उल्लेखित है, तो गोगा जी के उल्लेखित हैं। लोक देवता गोगा जी का ये स्थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे माना जाता है, तो खेजड़ी के पेड़ के नीचे माना जाता है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है, तो गोगा जी का प्रतीक है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी किए थे, तो किसके, देव नारायण जी के जारी किए थे। फड़ एक प्रकार की स्क्रॉल चित्रकारी है जो स्थानीय देवताओं भगवानों की स्मृति में धार्मिक कहानियों का वर्णन करती है। फड़ पर हम पहला डाक टिकट भारत सरकार द्वारा 1992 में जारी किया गया था, और राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवता से संबंधित है, तो ये देव नारायण जी से संबंधित है। देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये मुख्य मंदिर है इनका आसिंद में। आसिंद कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित, तो देव नारायण जी से संबंधित है। रास सापीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही मतलब क्या नाम है, तो इनका नाम है बाबा रामदेव।
राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो ये रामदेव जी के पिता थे। किस लोकनायक के मेले को संप्रदाय सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो ये रामदेव जी के से माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का बहरतर किस लोक देवता के संदर्भ में है? तो रामदेव जी के संदर्भ में है। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है, तो ये जैसलमेर। लोक देवता रामदेव जी ने किस सन में जीवित समाधि ली थी? तो उन्होंने ली थी 1458 में। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ले ली थी तो कौन थे? रामदेव जी थे। नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो ये रामदेव जी से संबंधित है। नेजा क्या है? नेजा रामदेव जी की पंचरंगी पताका है ये। नेक्स्ट है, बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोग बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर बनवाया गया है। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से किया गया तो जैसलमेर के पीले पत्थरों से किया गया है। किस लोक देवता का जन्म उड़कासेर गांव जिला में बाड़मेर में हुआ है? तो किसका? रामदेव जी का हुआ है। वह स्थान जो किसी प्रकार के लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है कौन सा? बनेड़ा है। पाली जिले के बिराटिया खुर्द में भरने वाला मेला संबंधित है किससे? रामदेव जी से संबंधित है। कांवड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं? तो ये रामदेव जी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रुणीजा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समावेश हैं? तो कांवड़िया पंथ के अंतर्गत हैं ये। साधु गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहाँ प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो कहाँ पर? ये फताजी में लगता है। नेक्स्ट है, बाबूजी का अवतार माना जाता है किसको माना जाता है? तो इसको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्लेग रक्षक वे ऊँटों के देवता के रूप में किसको जाना जाता है? तो बाबूजी को जाना जाता है ऊँटों के देवता के रूप में। किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको? बाबूजी को दिया जाता है। बाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन थे? तो रेवारी थे। बाबूजी का मुख्य तीर्थस्थल कौन सा है? तो कोलू है। तो तीर्थस्थल कहाँ पाइए? ये जोधपुर में है। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू अथवा कोलुमुंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? तो बाबूजी की इसमें लगता है। किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? तो किसकी? वीर कल्ला जी की। जन्म मारवाड़ में हुआ था इनका। तो चित्तौड़ के तीसरे साके में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन लोग ये देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो कौन थे? वीर कल्ला जी थे। बाड़मेर में तिरवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो मल्ली नाथ जी से संबंधित है ये। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मारवाड़ के रापतीड़ा यानी कि सलीखत जी के यहाँ हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सही सुमेलित नहीं है कौन सा लोक देवता है, दूसरी तरफ मुख्य स्थल है? तो ये मल्लीनाथ जी पिचायक, ये गलत है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें मल्लीनाथ जी गोगरौन, ये सही सुमेलित नहीं है। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है कौन से हैं? मल्लीनाथ जी हैं। कुंडा पंथ के प्रणता कौन थे? तो ये मल्लीनाथ जी थे। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो किसकी? मल्लीनाथ जी की। कौन सा गलत है ये बताना है आपको, तो रामदेव जी राम बेत्रा, यही गलत है। क्षेत्रपाल राजस्थान में संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है क्षेत्रपाल, तो ये एक ग्राम देवता के रूप में। भूरिया बाबा का आराध्य देवता है कौन? गाड़गोड़ के मीणाओं के। नेक्स्ट है, जेतमलोड राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो किसको? आलम जी के नाम से जाना जाता है। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ ये हैं आपके। तो देखिए, तल्लीनाथ जी ये हैं पांचोटा गांव जालौर में, तेजा जी पर्वतसर नागौर, और देवनारायण जी हैं आसिंद में, और बाबू जी हैं आपके कोलू। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई है? तो किनकी? ये हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई है। किस संत का पवित्र स्थल है? तो ये हड़बू जी का पवित्र स्थल है। सुमेलित कीजिए, तो पहला है आपका जाहर पीर, तो जाहर पीर का संबंध गागो जी गोगा जी। शिव का अवतार, तो शिव का अवतार है तेजा जी। वहीं लक्ष्मण का अवतार बात करें तो ये बाबू जी, और ये रामसा पीर ये रामदेव जी। तो इसका सही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब लोक देवियाँ देख लेते हैं कुछ। केला देवी मंदिर आप जानते हैं, सब करौली में है। राजस्थान के लंगूरिया गीतों का संबंध है किससे संबंध है? केला देवी से संबंध है। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से लंगूरिया होते हैं? जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? तो ये सुहागिया देवी की पूजा करते हैं।
निम्न में से लोक देवी को कार की वैष्णो देवी कहा जाता है, किसको? तनोट माता को कहा जाता है। सुगनचिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो ये माना जाता है आयड़ माता का। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो जिलाड़ी माता को मान्यता प्राप्त है। कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत है इसमें बताना है? तो जिलाड़ी, ये बाड़मेर में नहीं है। जालोड़ के चौहानों की कुल देवी निम्न में से है कौन सी? आशापुरा माता है। नेक्स्ट है, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था, तो मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। ये राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार श्राप का प्रसाद मिलता है, तो कौन है? शिला देवी है। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? तो कौन सी देवी है? केला देवी है। ये जीर्ण माता मंदिर, ये कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी हैं? तो चौहान वंश की हैं ये। नेक्स्ट है, लोक देवी जीर्ण माता मंदिर स्थित है कहाँ पर? सीकर में स्थित है। सीकर के चौहान शासकों की कुलदेवी मानी, ये कौन है? तो ये कुलदेवी है जीर्ण माता। सामर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर है? इंपॉर्टेंट है, तो ये शाकंभरी देवी का मंदिर है। कहाँ पर? सामर झील में। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो जीर्ण माता का गीत सबसे लंबा है। कनफटे जोगी डमरू सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? तो जीर्ण माता के गीत गाए जाते हैं। जोधपुर के राठौरों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो क्या नाम है इनका? यह है नागणेची माता। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? तो आप सब जानते हैं करणी माता का संबंध चूहों से है। नेक्स्ट है, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं, कौन सी की? करणी माता की पूजा नहीं करते हैं। राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर है? इंपॉर्टेंट है, तो किसका? घेबर माता का मंदिर है। सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी हैं? तो ये आहुबा के ठाकुर परिवार चंपावत की आराध्य देवी हैं। नेक्स्ट है भाई, 1857 स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी कौन? तो ये सुगाली माता थी। राजस्थान की लोक देवी नहीं है, कौन सी नहीं है? ये हिडिंबा माता नहीं है। निम्नलिखित में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? तो किसको? महामाया माता को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए, तो कौन सा गलत है? सकराया, ये मंत्र सीकर में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, सेन ये नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? तो यह है नारायणा माता। कंठेश्वरी माता किस देवी मानी जाती है? कौन सी? आदिवासियों की देवी मानी जाती है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो किसकी? कंजर की। केवायत माता का मंदिर निर्माण कराया गया था किसने? चच्छ ने कराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करता है? तो कौन है भाई? सिरभी है ये। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? तो बिलाड़ा का संबंध आई माता से है। अब प्रमुख लोक देवियाँ एक दृष्टि में देख लेते हैं, आप चाहें तो पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। करणी माता स्थान देशनोक बीकानेर, बीकानेर के राठौरों की ये चूहों की देवी भी कहलाती हैं। केला देवी करौली में है, करौली के यादव वंशों की कुलदेवी हैं ये। जमुई माता इन अन्नपूर्णा ये जयपुर में है, अमेरिका कछवाहा राजाओं की कुलदेवी हैं ये। वहीं बात करते हैं ये बरणा माता उदयपुर में सिसोदिया राजवंश की हैं। बाकी कौन इंपॉर्टेंट है इसमें? बाकी तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अब कुछ मेले महोत्सव और पशु मेले देख लेते हैं। बादशाह का मेला भरता है कहाँ पे? लगता है, मतलब ये लगता है ब्यावर में। नेक्स्ट देख लें, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? तो ये कब किस माह में लगता है? नवंबर में लगता है। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? ये अजमेर में लगता है। ये पुष्कर मेला अजमेर में लगता है कार्तिक माह में, अक्टूबर नवंबर में लगता है। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला की तिथि किस तिथि को संपन्न होता है? तो अभी हमने देखा था ये कार्तिक पूर्णिमा में लगाया जाता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बडेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो बडेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों कुंभ बडेश्वर मेले को कहा जाता है। बडेश्वर मेले का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो किस दिन? माघ पूर्णिमा में किया जाता है। मेले और जिले को कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बडेश्वर मेला ये बांसवाड़ा में नहीं लगता, अभी हमने देखा था ये सही सुमेलित नहीं है। बाबू महाराज का मेला किस जिले से में लगता है? तो बुधौलपुर में लगता है। नेक्स्ट है, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ में स्थित है। केला देवी का मेला कब लगता है? तो केला देवी का मेला लगता है चैत्र ये शुक्ल पक्ष में लगता है। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? तो वैशाख शुक्ल सेकंड को आयोजित होता है। कहाँ पे? अलवर में। कपिल मुनि का मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है कहाँ पे? कोलायत में, कोलायत बीकानेर में। कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस स्थान पर, किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो किया जाता है बीकानेर में।
निम्नलिखित में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? कौन सा मेला है? ये कपिल मुनि मेला लगता है। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला का कोलायत कब बढ़ता है? तो बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा में। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी में आयोजित किया जाता है। भगवान शिव को समर्पित शिवाण के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो सवाईमाधोपुर में होता है। राजस्थान में 12वीं ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके सिवाड़ में स्थित है। किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पर? हड़ौती में आयोजित किया जाता है। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ लगता है, कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है भाई साहब केलवाड़ा 12 में लगता है। 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति द्वारा कुंभ मेला लगाया जाता है? तो सहरिया जनजाति द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के रुणेश्वर के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, कौन सी है? सांप्रदायिक सद्भाव। नेक्स्ट है जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतहरि मेला आयोजित किया था, कौन से जिले में किया था? ये किया था अलवर में। बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? बाणगंगा का मेला लगता है जयपुर में। नेक्स्ट है धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान में किस जिले में लगता है? तो ये लगता है राजस्थान में अलवर जिले में। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो कौन से? माधव सिंह थे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो घोटिया मेला का मेला लगता है आपका बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है गांव मुकाब में जाम्बेश्वर मेला किस वर्ष कितनी बार लगता है? तो भाई ये दो बार लगाया जाता है। कौन सा मेला वर्ष में दो बार लगाया जाता है? तो अभी हमने देखा करणी माता का मेला दो बार लगाया जाता है। जीवण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पर? सीकर में आयोजित किया जाता है। ददीमती माता का मेला निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है नागौर में। कौन सा मेला वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है? तो कौन सा है? जीवण माता का मेला दो बार लगता है ये। नेक्स्ट है सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा यानी कि आसिन में प्रतिवर्ष किस समय लगाया जाता है? तो ये मेला लगाया जाता है कब? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी में लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कल्याण जी का मेला कहाँ पर लगाया जाता है? तो कल्याण जी का मेला डिग्गी में लगाया जाता है, मतलब ये डिग्गी बोले तो कहाँ पर? टोंक में लगाया जाता है। नेक्स्ट डैश डैश को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, किसको? मारवाड़ के महोत्सव को मांड महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। बैलगाड़ी मेले का नाम कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो कौन सा मेला? ये शीतल माता का मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला के नाम से जाना जाता है? कौन सा जिला संबंधित है? कानन, ये बाड़मेर में होता है कानन मेला। केसरियाजी मेला बढ़ता है कहाँ पर? ये धुलेब में। धुलेब कहाँ पर? उदयपुर में। जैन तीर्थ स्थल केसरियाजी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। पौष मास में आयोजित होने वाला मेला है कौन सा? नखोड़ा जी। नेक्स्ट है लालिया कालिया मेला आयोजित होता है कहाँ पर? अजमेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट है मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है जैसलमेर में। जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो फरवरी में किया जाता है। नेक्स्ट है गलत युगों को पहचानना इसमें, तो मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं होता, ये गलत है। बीकानेर ऊँट त्यौहार डैश डैश के महीने में मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है? बीकानेर में ऊँट का त्यौहार ये मनाया जाता है जनवरी महीने में। नेक्स्ट है इसमें असंगत को पहचानना कौन सा गलत है, ऊँट महोत्सव जैसलमेर में नहीं होता, ये गलत है। ऊँट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बीकानेर में। हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है कहाँ पर? जयपुर में किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है, ब्रज महोत्सव अलवर में नहीं होता है, ये कहाँ पर? भरतपुर में होता है। किस स्थान पर मत्स्य उत्सव आयोजित किया जाता है? तो कहाँ पर? अलवर में आयोजित किया जाता है। अलवर महोत्सव का आयोजन किस मास में होता है? तो कहाँ पे? ये फरवरी में होता है। थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो बाड़मेर में किया जाता है। राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव डैश डैश में मनाया जाता है कहाँ पे? माउंट आबू में मनाया जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्न मेले और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, कौन कौन से मेले भाई साहब ये बताने हैं? तो देखिए ऊँट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में, जनवरी में मनाया जाता है। तो इन्हें क्रम से लगाना है कैलेंडर के हिसाब से, जनवरी फरवरी मार्च में ऐसे करके क्रम से आपको लगाना है। तो सबसे पहले होगी आपका ऊँट महोत्सव, ऊँट महोत्सव बीकानेर में लगता है, तो तीसरा जिसमें आएगा पहला वो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में लगता है आपका मरु महोत्सव जैसलमेर में लगाया जाता है, तो आपका ये डी आंसर है। उसके बाद हाथी महोत्सव जयपुर में लगता है और ये ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हमने देखा ऊँट महोत्सव कहाँ पर लगता है, बीकानेर में लगता है। हाथी महोत्सव कहाँ पर लगता है, हाथी महोत्सव लगता है जयपुर में। मरु मेला कहाँ पर लगता है, मरु मेला आपका जैसलमेर में लगेगा। थार महोत्सव बाड़मेर में लगेगा। तो क्लियर आपका आंसर आ गया पहला। नेक्स्ट है तेजा जी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो तेजा जी का मेला लगता है प्रवस्थन नागौर में। तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तेजा दशमी आती है कब आती है, तो ये आती है भाद्र शुक्ल दशमी में। राजस्थान के कितने राज्य है राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित किए जाते हैं, तो कितने किए जाते हैं, ये किए जाते हैं 10। नेक्स्ट है अब ये बताना है आपको, सुमेलित करना है। तो देखिए वीर तेजा जी का मेला ये लगता है प्रवस्थन में। महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि लगती है आपके करौली में, चंद्रभागा लगता है जलारायपट्टन में, और मल्लीनाथ जी लगता है बाड़मेर में। तो पहला आंसर आपका आ जाता है चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ पर लगता है, तो अभी हमने देखा कहाँ पर लगता है, जलारायपट्टन में लगता है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक माह के डैश डैश दिन में आयोजित किया जाता है, तो कब अंतिम दिन में किया आयोजित किया जाता है। हड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ का है, तो ये चंद्रभागा मेला है। किस जिले में राज्य सरकार द्वारा सबसे अधिक पशु मेले आयोजन किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, नागौर में सबसे ज़्यादा पशु मेले लगते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक राजस्थान में प्रमुख पशु मेलों में उनसे संबंधित स्थलों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो तीसरा बलदेव पशु मेला, ये करौली में नहीं लगता है, यही गलत है। मिर्ची बाजार राजस्थान में निम्नलिखित मेलों में से कौन सा प्रमुख आकर्षण है, कौन सा, नागौर मेला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है कहाँ पर, तो चैत्र से एक पूर्णिमा तक लगता है ये पशु मेले में। उनसे संबंधित जिले हैं कौन कौन से, तो भाई बलदेव जी पशु मेला कहाँ पर लगता है, ये लगता है आपका मेड़ता सिटी में। चंद्रभागा मेला कहाँ पर लगता है, ये लगता है झलारायपट्टन में। रामदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है, ये लगता है आपका नागौर में। वीर तेजा जी मेला लगता है आपका परवत्सर में, तो आपका आंसर आ गया पहला वाला। चलिए नेक्स्ट है, अब इसमें से राजस्थान के मेले से संबंधित पहचान कीजिए। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और इस मेले में हर साल लगभग 7,000 बैल ऊंट और घोड़ों का व्यापार होता है, तो भाई कौन सा मेला, जोधपुर में मेला लगता है, यहाँ पे गलत है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है कहाँ पर, ये तिलवाड़ा बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया था, तो ये करौली में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित किया था, तो ये झलारायपट्टन में आयोजित किया जाता है। जयपुर जिले में लुणियाबास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बांधिया 400 वर्ष में कौन से मेले के लिए विख्यात है, तो गधों के मेला लगता है यहाँ पर। राजस्थान में गधों का मेला लगता है कहाँ पर, जयपुर में लगता है। तो स्वर्णेश्वर पशु मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर, सिरोही में आयोजित किया जाता है। कौन सा सम्मिलित है ये आपको बताना है, तो दूसरा सम्मिलित है स्वर्णेश्वर मेला, नागौर में नहीं लगता है। मेला और ये माह आपको बताना है कि कौन से माह में कौन सा मेला लगता है, तो देखिए कार्तिक माह में पुष्कर मेला लगाया जाता है, तो आपको बताइए पहला आंसर इसके हिसाब से आ जाता है। गीण माता चैत्र माह में लगता है, भरतपुरी कब लगता है, ये भाद्रव में लगता है, और डिग्गी ये सावण में लगता है। अब एक तरफ ये मेले हैं, दूसरी तरफ ये इनके महीने हैं, तो पहला देख लेते हैं देवनारायण मेला कब लगता है, ये भाद्र शुक्ल सप्तमी में लगता है। रामदेव जी मेला कब लगता है, ये लगता है आपका भाद्र शुक्ल द्वितीया में। और वीर फताजी मेला कब लगता है, ये लगता है आपका भाद्र शुक्ल नवमी में। तेजाजी मेला लगता है ये दसवीं में, तो ये चौथा आंसर, ये भी एक आंसर आपका आ गया। अब सुमेलित करना है इसमें, तो देखिए कानन मेला बाड़मेर में लगाया जाता है, तो पहले के दूसरा जिसमें आ गया आंसर वो मिल गया। मांडवा का मेला नागौर में लगता है। मरु मेला आप जानते हैं, मरु मेला कहाँ लगता है, जैसलमेर में। कपिल मुनि का मेला लगता है बीकानेर में, तो सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं भरत हरि मेला कहाँ पर लगता है, तो ये भाई साहब लगता है अलवर में। केला देवी का मेला कहाँ पर लगता है, तो केला देवी का मेला लगता है करौली में। करणी माता का मेला कहाँ पर लगता है, ये चूहों की माता है, मतलब चूहों की देवी हैं, तो ये कहाँ पर लगता है, ये लगता है आपका ये देशनोक बीकानेर में। रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू में, तो पहला आंसर आपका आ जाता है। अब कुछ त्यौहार देख लेते हैं, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है इसमें पहला ही है, सख्त साबंत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस मास के रूप में जाना जाता है, तो आषाढ़ के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में त्यौहारों का आगमन किस त्यौहार से माना जाता है, तो किससे, इस श्रावण तीज से माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में त्यौहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत किससे होता है, अंत होता है गढ़सोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकादम के टाइम पे मनाया जाता है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है, तो श्रावण माह में निकाली जाती है तीज की सवारी। तीज का त्यौहार मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है, तो ये कहाँ मनाया जाता है, जयपुर में मनाया जाता है। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, तो कहाँ पर, ये भाद्र कृष्ण तृतीया के टाइम पर मनाई जाती है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है, ये कब मनाई जाती है, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया के टाइम पर मनाई जाती है। नेक्स्ट है, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है, तो मनाई जाती है भाद्र कृष्णा तृतीया के टाइम पर मनाई जाती है। राजस्थान में डैश डैश कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है, कौन सा, तो यह है बूंदी। छोटा तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह मनाया जाता है, तो ये श्रावण माह में मनाया जाता है। हरियाली तीज कब ये मनाई जाती है, कब, ये श्रावण शुक्ल तृतीया के टाइम पर मनाई जाती है। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि कौन सी है, तो यह है शुक्ल पक्ष तृतीया। नेक्स्ट है, बेली गबर कहाँ पूजा की जाती है, तो पूजा की जाती है जैसलमेर में। किस हिंदू माह में
गणगौर त्यौहार मनाया जाता है तो कौन से में चैत्र माह में मनाया जाता है। गणगौर त्यौहार कितनी अवधि के लिए मनाया जाता है तो ये अवधि बनती है 18 दिन तक चलता है। नेक्स्ट है ईसर जी एवं ईसरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं तो यह शिव और पार्वती को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियाँ शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती हैं तो कौन सा है ये गणसौर उत्सव है। नेक्स्ट है धींगा गणसौर मेला कहाँ मनाया जाता है तो जोधपुर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणसौर किसके शासनकाल में शुरू हुआ था तो राजसिंह के शासनकाल में शुरू हुआ था। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी रणथौर मनाई जाती है तो ये नाथद्वारा में मनाई जाती है। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है कौन सा भिनाय है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कौन सा स्थान पत्थरमाल होली के लिए प्रसिद्ध है तो यह है बाड़मेर। नेक्स्ट को सम्मिलित करना है इसमें तो देखिए ये महावीर जी ये कहाँ है ये नौहाड़ हैं वो भिनाय की बात करते हैं तो नहीं सॉरी ये लठमार महावीर जी लठमार होली है। उसके बाद में अगर ये भिनाय की बात करें तो कोडामार होली सांगोद में आपकी ये निहाड़ और बाड़मेर में है ये पत्थरमार होली। चलिए नेक्स्ट है कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष में सबसे बाद में आता है तो कौन सा त्यौहार है होली है। नेक्स्ट है नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है तो कब की जाती है निडरी नवमी में की जाती है। नेक्स्ट है करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है कब कार्तिक कृष्णा चतुर्थ को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य दीर्घायु व मंगल कामना करती हैं किसमें करवा चौथ में करती हैं। नेक्स्ट है जल झुलझुनी एकादशी मनाई जाती है कब ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी में मनाई जाती है। बैसाख शुक्ल तृतीय और श्रावण शीर्ष कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार ये पढ़ते हैं तो कौन से पढ़ते हैं आखा तीज और नागपंचमी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आखा तीज किस माह में आती है तो बैसाख माह में आती है। नेक्स्ट है खिचड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस वर्ग से जुड़ा हुआ है तो दशहरा पर्व से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठमी को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है तो यह है उपछठ त्यौहार है। राजस्थान में उपछठ पर्व कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है ये भाद्रपद की छठी ये मनाया जाता है। विक्रम सावंत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्यौहारों का क्रम आपको बताना है तो सबसे पहले कौन त्यौहार कौन सा आता है गणगौर आता है ये गणगौर सबसे पहले आता है उसके बाद में फिर आता है ये कृष्ण जन्माष्टमी उसके बाद में आता है गणेश चतुर्थी फिर आती दीपावली तो पहला आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान विभिन्न समय के त्यौहारों को मनाते समय उनके कैलेंडर के हिसाब से बताना तिथि कौन सी आती तो सबसे पहला इसमें आता है गणगौर कब आता है ये आता है चैत्र शुक्ल में या फिर मार्च अप्रैल में। उसके बाद अक्षय तृतीय आती है ये अप्रैल मई में आती है फिर छोटी तीज आती है और फिर बड़ी तीज आती है। क्लियर है तो इसका आंसर जो है ए आ गया। नेक्स्ट है श्रावण के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है तो ये शिव जी की पूजा की जाती है। सांझी पूजन किसका लोकप्रिय है किसमें लोकप्रिय है तो कुमारी कन्याओं में लोकप्रिय है। नेक्स्ट है भाद्र पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्णा अमावस्या तक। नेक्स्ट है राजस्थान में गुड़हला त्यौहार कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी में। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है तो कौन सा नहीं आता है जन्माष्टमी नहीं आती है। जन्माष्टमी भादों के महीने में आती है। राजस्थान में कौन सा त्यौहार श्रावण में नहीं आता है तो इसमें से डैश कोई नहीं आता मतलब ये डिलीट कर दिया था। ऋषि पंचमी मनाई जाती है कब भादो शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कौन सा त्यौहार हिंदू त्यौहारों के बारे में सही है ये बताना है तो अक्षय तृतीया बैसाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया मनाया जाता है ये बात ठीक है। दूसरा कि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है ये बात भी ठीक है तो दोनों बातें इसमें ठीक है। नेक्स्ट है गोवर्धन पूजा या फिर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है तो कब कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। बक्ष बारस मनाई जाती है कब भाद्र कृष्णा द्वादशी में मनाई जाती है। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है तो ये बाड़मेर जाना जाता है। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है तो चेष्ट ये कृष्णा अष्टमी मनाई जाती है। नेक्स्ट है अशोका अष्टमी मनाई जाती है कब ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है अशोका अष्टमी इसमें अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। तिल चौथ यानी कि संकट चौथ मनाई जाती है कब माघ कृष्णा चतुर्थी में मनाई जाती है। नेक्स्ट को इसमें मिलान करना है तो देखिए बूंदी की कजली तीज ये भाद्र की कृष्ण तृतीया मनाई जाती है वहीं होली फाल्गुन पूर्णिमा मनाई जाती है और ये
पर्युषण की बात करें तो भादो माह में मनाई जाती है और गणसौर चैत्र माह में, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो कौन सा त्यौहार है? ये रक्षाबंधन है। परशुण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो ये जैन समुदाय से संबंधित है। जैन समुदाय द्वारा परशुण पर्व किस माह मनाया जाता है? तो ये भादो माह में मनाया जाता है। स्वतंत्र जैनों द्वारा परशुण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? तो ये भाद्र 8 दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13वें दिन ये मनाई जाती है, तो कौन सी जयंती? महावीर जयंती मनाई जाती है। सुगंध दशमी पर्व है, क्या जैनियों का पर्व है ये भादो शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों को भावना है क्या है? कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए हैं। नेक्स्ट है, हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? तो मुहर्रम पहला महीना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जैनों का नहीं है? तो बड़ी सातम जैनों का त्यौहार नहीं है, ये सिंधी समाज का त्यौहार है। अब वेशभूषा देख लेते हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लप्पा लप्पी किरण गोखरू बांकड़ी ये सब क्या हैं? ये सब हैं गोटे के विभिन्न विभिन्न प्रकार। लप्पी हो गया, लप्पी लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी गोखरू बिजिया मुकेश नक्सी आदि गोटे के प्रकार हैं। जयपुर का गुलाल गोटा देश भर में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में पोपचा कहते हैं, पोपचा किसको कहते हैं? ये महिलाओं की ओढ़नी को पोपचा कहते हैं। राजस्थान में पोपचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है, तो यानी कि माँ बनने के उत्सव पर ये पहनी जाती है पोमचा। स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो पीला इसको कहा जाता है। बख्तरी वस्त्र क्या है? तो बख्तरी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाले वस्त्र है। नेक्स्ट है, दुतई गदर डगला कानो मिर्जा तो ये अंगरखी हैं। ये मदील एक प्रकार का क्या है? तो ये मदील एक प्रकार की पगड़ी है। पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो ये जो है पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो सरपेच है। कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो पगड़ी को प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, तो विवाह उत्सव पर पहनी जाती है। मारवाड़ में दामड़ी क्या है? तो दामड़ी ओढ़ने का एक प्रकार है। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है, कौन सी? जोधपुरी कोट को। जोधपुरी साफा का प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है किसको? महाराजा जसवंत सिंह को जाता है। ब्रिचेस वस्त्र हैं पुरुषों का कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र। नेक्स्ट है, राजस्थानी परिधान के प्रतीक हैं क्या? समस्त्र वर्णित विकल्प। राजस्थान के संदर्भ में पछवेड़ा क्या है? तो यह है मोटी सूती साल। पछवेड़ा क्या है? तो ये क्या परिधान है ये। नेक्स्ट है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता है क्या? छापदार कहते हैं उसको। अब एक तरफ तो ये हैं आपके अंगरखी हैं, दूसरी तरफ ये है मतलब क्या कर पहनते हैं और तो अंगरखी ये बुगतरी है, ताराबात ये क्या है? ये ओढ़नी। फलिया क्या है? पगड़ी है। तो तीसरा आंसर इसका आ जाता है। तो जिम्मी क्या है? जिम्मी क्या है कि जिम्मी फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधू द्वारा पहनी गई गोटे कोनाली युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी होती है, इसको कहते हैं जिम्मी। उदयशाही अमरशाही विजयशाही और शाह सजनी ये सब क्या हैं? तो ये समय राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। अब देख लेते हैं कुछ आभूषण। महिलाओं के गहने का सिर से पैर तक सही क्रम बताना है आपको। तो सिर में देखिए कौन से गहने पहने थे, बोर हो गया, फिर ये हो गया, उसके बाद में बिंदिया, फिर नथ, फिर चुप, ये फिर गलाटिया, फिर ये कंडला। अब ये देखिए कहाँ कहाँ पर पहने जाते हैं। सिर पर मस्तिष्क के कौन से गहने? शीश फूल आप कोई भी पहचान सकते हैं इसको। शीश पट्टी यानी कि सिर पट्टी, टिकड़ा हो गया, टीका मत सपोज करो, सांकली हो गया, फीणी ताबीत मांग टीका बोर हो गया, या फिर टीडी ये भलको हो गया, बिंदिया बोरला रखड़ी मेमंद सुरमांग, तो ये सब ये सिर के टीके हैं। कान के कौन से? कुंडल को पहचान लोगे आप, कर्णफूल को पहचान लोगे, बाली पहचान लोगे, और ये लटकन देख लो, झुमका पहचान लोगे, सुरेलिया देख लो, पीपल पत्रा देख लो, जुड़ाना देख लो, अंगोटिया टॉम्स झेला जमेला बुचरिया टोंटी। नाक के कौन से? बुलाक नथ को पहचान लोगे, कांटा ये चोप, लौंग पहचान लोगे, चुनी
बाली पहचान लोगे, लटकण, कण के देख लेते हैं, ये थमड़ी हो गया, थेड़ी हो गया, आट, ठुसी, मुंडिया, झालरा। अब कुछ ऐसे गले के हैं, तुलसी, कांठाबार, मटरमाला, हंसली, हलरो। कुछ इंपोर्टेंट है, हाकर हो गया, खोंगाली हो गया, हमेल हो गया, सरी हो गया। हाथ पे कलाई के देख लेते हैं, मोखड़ी हो गया इसमें, और नोगरी हो गया। कमर के देख लेते हैं, करधनी, कणमती, तांगड़ी, कणोरा, जो भी क्या कैसा है वो कमर के हो गए ऐसे। तो पैर व उंगलियों को देख लेते हैं, पायजेब पहचान लोगे, पेजड़ी, बिछिया, पायल पहचान लोगे, छड़, लंगर, घुंगरू, झाझर, नेवरी, तोड़िया, और तेधड़, आमला, और झेलकड़ा, ये पोल, मुंदड़ी, रिंगछोल। तो ये हैं पैर के। थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, ठुसी, आभूषण, महिलाओं का कहाँ पर धारण किया जाता है, तो ये कंठ में किया जाता है धारण। नेक्स्ट है तुलसी, हालरो, तिमेड़िया, पोत नामक आभूषण महिला द्वारा शरीर में कौन से भाग में पहना जाता है, तो गले के आभूषण है ये। झेला, झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया किस अंग के हैं, ये कान के हैं ये। तेधड़ आभूषण पहना जाता तो स्त्रियों के पैरों में पहना जाता। पोत, हाँकर, सरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, तो गले के आभूषण है ये। मेमद आभूषण पहना जाता कहाँ पर, सिर पर पहना जाता है। चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो चोप पहना जाता नाक में। कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता, तो गले ये आंवला नहीं पहना जाता है। कौन सा आभूषण महिला द्वारा नहीं पहना जाता, तो मोरखा नहीं पहना जाता है। टड्डा आभूषण पहना जाता है, तो टड्डा बाजू में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमेल शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है, तो गले में पहना जाता है। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, तो ये गले में पहना जाता है। कौन सा एक पैरों में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी। निम्नलिखित में माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है, तो माथे पर रखड़ी बांधी जाती है। बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में धारण करती हैं, तो नाक में पहनती हैं बुलाक को। आभूषण और अंग को सम्मिलित करना है, तो पहले बोरला पहना जाता सिर में, वहीं लटकन पहनी जाती नाक में, जंजीर पहनी जाती कमर में, और ये तोड़िया पहनी जाती पैर में। तो डी आंसर ठीक है। अंग और आभूषण सुमिलित करने हैं, तो सिर का आभूषण है आपका, सिर का आभूषण है मेमंद, वहीं गले का आभूषण है हंसली, कमर का आभूषण है कणकति, और पैर का आभूषण है रिमझोल। तो डी आंसर आ गया। नेक्स्ट है नेबर आभूषण पहना जाता है, तो कहाँ पर, पैरों में पहना जाता है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो चंपाकली गर्दन में पहना जाता है। नेक्स्ट है मुर्किया से आशय क्या है, तो मुर्किया कानों का आभूषण है। पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है, तो ये मुर्किया पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तगड़ी पहनी जाती है किसके, ये कमर में पहनी जाती है तगड़ी। तगड़ी क्या है, तगड़ी आभूषण है जो कमर में पहना जाता है। कंदोरा आभूषण स्त्रियाँ किस भाग में पहनती हैं, तो कमर में पहनती हैं। आभूषण जो शरीर में नहीं पहना जाता है कौन सा, कंदोरा है। रखन किसका आभूषण है, तो रखन आभूषण है दांत का। तिमनिया पहना जाता है, तो कहाँ पर, गले में पहना जाता है। मांदलिया पहना जाता है, कहाँ पर, महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। दामड़ा आभूषण स्त्रियाँ शरीर के किस भाग में पहनती हैं, तो अंगुली में पहनती हैं। चुप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो चुप दांत में पहना जाता है। अब आप सोचो दांत में कैसा पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता, तो इसको चुप कहा जाता है, चुंप। महिलाएं नथ धारण करती हैं, तो नथ तो आपको पता नाक में धारण करती हैं। पीपल पन्ना है क्या, स्त्रियों के कान का आभूषण है पीपल पन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाता है, तो कौन सा है, ओगनिया है ये। ओगनिया कहाँ पर पहना जाता है, तो अभी आपने देखा था कि ये कान में पहना जाता है। गले, ये कह रहे गले में नहीं पहना जाता, तो ओगनिया गले में नहीं पहना जाता, कान में पहना जाता है। राजस्थान के आभूषणों के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो फिटड़ी को टकने में पहना जाता है, ये गलत है। सीसफुल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता, तो ये सिर में पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है, परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है, तो कौन सा है, टुस्सी है ये। रमझोल आभूषण मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है, तो ये पैर में पहना जाता है। आभूषण अंग सुमिलित नहीं है, कौन सा, रमझोल कमर में ये पहना जाता है, गलत है। कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है, तो ये टोटी है। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, तो ये पहना जाता है कान में। नेक्स्ट है लुंग आभूषण पहना जाता है, तो कहाँ पर, कान में पहना जाता है। हालरो पहना जाता है कहाँ पर,
हार और पहना था महिला द्वारा गले में। नेक्स्ट है नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, नोगरी पहना जाता है हाथ में। बल्लिया बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये हाथों में पहना जाता है। कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो मुंदड़ी कलाई में पहना जाता है, ये गलत है। ये मुंदड़ी कहाँ पर, उंगली में पहना जाता है। ये देखिए मुंदड़ी, ये उंगली में पहना जा रहा है, हाथ फूल उंगली हाथ का हो गया है, चूड़ी हो गया हाथ में, नौकरी और ये गोखरू। गोखरू आभूषण ये कहाँ पर, कलाई में पहना जाता है। फोलरी बंगड़ी बोरला बंजटी बांजबूत आदि क्या है, स्त्रियों के आभूषण है। राजस्थान में बगड़ी आभूषण पहना जाता है कहाँ पर, हाथों में पहना जाता है। बंजपट्टी आभूषण पहना जाता है कहाँ पर, ये गले में पहना जाता है। अब कुछ देख लेते हैं अनुसूचित जाति व जनजाति से रिलेटेड फैक्ट। ताराबाद की ओर ने राजस्थान में, राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है, आदिवासियों की है। नेक्स्ट है कटारी भात से क्या आशय है, तो कटारी भात एक प्रकार का वस्त्र है, आदिवासियों की कटकी वस्त्र पहना जाता है कहाँ पर, अविवाहित युवती द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा है, मीणा भील गरासिया जनजातियाँ हैं। राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सी है, तो दूसरे नंबर पर भील है। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है, तो मीणा का उल्लेख मत्स्य पुराण में है। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है, तो भीणा से संबंधित है। भील पुरुष द्वारा अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं, ढकने के लिए सॉरी, उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पातिया, पातिया या पोतिया। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा क्या है, तो फेटा एक प्रकार का सिर का वस्त्र या फिर पगड़ी है। भील जनजातियों में कच्छाबू कौन पहनता है, तो कच्छाबू पहनती महिलाएं, कौन महिलाएं पहनती हैं। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है, तो कच्छाबू के नाम से जाना जाता है। खोयतू वस्त्र संबंधित है किससे, भील जनजाति से। नेक्स्ट है भील जनजाति के पुरुष कमर में जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो खोयतू कहते हैं। भीलों द्वारा लकड़ी लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहते हैं, उसको भराड़ी कहते हैं। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, तो ये तलाक है। ये भीलों में टेपाणा, ये डेपाणा क्या है, तो डेपाणा है तंग धोती। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, तो ये भील जनजाति का रणघोष है। भोमट क्या है, भोमट मेवाड़ में भील ये आबादी वाला क्षेत्र होता है। पाल किसे कहते हैं, पाल भीलों की बस्ती को कहते हैं। कू क्या है, तो कू है भील जनजाति का घर। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु वृक्ष पौधा उपयोग में लाया जाता, कौन सा, महुआ को लाते हैं उपयोग में। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है, तो भील का नेता को कहते हैं। भीलों के गाँव के मुखिया कहलाते हैं क्या, गमेती। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सहलोत के नाम से जानते हैं। हारी भावरी कृषि को किस रूप जनजाति का है, तब ये गरासिया का है। कौन सा विभाग गरासिया जाति में प्रचलित नहीं है, कौन सा, लारी मोरिया इसमें प्रचलित नहीं है। ताड़ना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है, तो ये गरासिया में प्रचलित है। राजस्थान में उदारिया पंथ किस में प्रचलित है, तो ये भीलों में प्रचलित है। राजस्थान के किस जिले में शहरी जनजाति केंद्रित है, तो कहाँ पर, बारह में केंद्रित है। राजस्थान के निम्न में से कौन सी जनजाति भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है, तो किसको, शहरी को शामिल किया गया है। राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से बारह जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास कर रही है, तो शहरी जनजाति है। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है, तो शहरी में प्रचलित है। दक्षिण राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है, बड़ालिया का अर्थ होता है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, जिसे हम बिचौलिया भी कहते हैं। भील गरासिया जनजातियों में दापा का क्या अर्थ है, दापा होता है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, कितनी जबरदस्त प्रथा है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों माना जाता है, तो मानगढ़ को आदिवासियों को अंग्रेजों का दमन किया था। यहाँ पर एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है, एकलव्य योजना के जनजाति के खेल छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना है। एकलव्य योजना संचालित की जाती है जनजाति आयोग द्वारा। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है, तो विवाह से संबंधित है। कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है, तो ये सत्य बोलने की कसम खाई जाती है, कितनी जबरदस्त चीज़ है। किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं, तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर सुकून लेते हैं,
तो बाबरी हैं, ये बाबरी जाति के लोग। बीजा बे माला राजस्थान की किस जनजातियों की शाखाएं हैं? तो सांसी की शाखाएं हैं। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? तो खपटा सहरिया पुरुषों का साफा है ये। नेक्स्ट है जनजातियां और स्थान से संबंधित देख लेते हैं। तो गरासिया ये आबू रोड पे, डामोर सिमलाड़ा, उदू तीसरा सहरिया किशनगंज, ये सांसी भरतपुर, ये आंसर ठीक है। गरासिया जनजातियाँ प्रधानतः कहाँ पाई जाती है? सिरोही में मिलती हैं। डाबोर जनजाति निम्नलिखित में कहाँ पर होती है? तो डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में होती है। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो भरतपुर में है ये। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में सहरिया जनजाति की अधिकतम आबादी निवास करती है? तो कहाँ पाई, ये बारा जिले में है। कथौड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो उदयपुर में पाई जाती है। अब कुछ देख लेते हैं जनजातियों का संकेंद्रण कहाँ कहाँ पर है। तो पहले देखते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पर सांसी जनजाति मिलती है, उसके बाद में यहाँ पर सहरिया जनजाति मिलती है, यहाँ पर सहरिया है, फिर भील है ये, उसके बाद में गरासिया मिलती है इधर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ था? तो अनास नदी पर किया गया था ये। विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है कब? 9 अगस्त को मनाया जाता है। सामाजिक सहकारी संस्था हेरेरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो गरासिया से संबंधित है ये। नेक्स्ट है पड़ियार मेड़ा जनजाति क्षेत्र मूलतः है कौन सा? टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी है। नेक्स्ट है भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है क्या? चीमाता कहलाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? तो किससे? आम की पत्तियों से करते हैं। नेक्स्ट है जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ यानी कि ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना कब की गई थी? 2011 में की गई थी ये। वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? तो कौन सा जिला है? यह है नागौर जिला। राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वाधिक केंद्रण कौन सा है? कहाँ पर? उदयपुर में है। नेक्स्ट है कर्नल टोड के अनुसार मेड़ाव का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था? तो ये था काली खो पर्वतमाला, सम्मिलित कीजिए इसमें। तो सहरिया आपके ये मिलती है बारा में, बारा जिला कोटा में। गरासिया की बात करते हैं तो उदयपुर में मिलती है। वहीं पर बात करते हैं डाबोर की, ये मिलती है डूंगरपुर में। मेड़ा मिलते हैं आपके, मेड़ा मिलते हैं जयपुर जोधपुर में, ये आंसर आ गया। अब जनगणना के हिसाब से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति मेड़ा की आबादी सबसे ज़्यादा है इसमें, फिर भील, फिर गरासिया। उदयपुर में मेड़ा मिलते हैं सर्वाधिक आबादी, उदयपुर में, फिर जयपुर में। भील मिलते हैं बांसवाड़ा में, गरासिया मिलते हैं सिरोही, सहरिया मिलते हैं बारा में। तो ऐसे ही कथौड़ी मिलते हैं आपके उदयपुर में। अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड देख लेते हैं जनसंख्या कितनी है। ये जनसंख्या है इनकी एससी एसटी की, कुल अनुपात में 17%, तो 17.83% एससी हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लिया जाता है। एसटी कितने? 13.48। देश में राजस्थान का स्थान 8वां, इसमें 13वां है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से? जयपुर में सबसे ज़्यादा है, फिर गंगानगर में, उदयपुर में इसमें एसटी हैं। सर्वाधिक परसेंटेज में गंगानगर और हनुमानगढ़ हो गया एससी, उसके बाद बांसवाड़ा में ये एसटी ज़्यादा है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर इनकी? एससी की डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में, जबकि बीकानेर में ये नागौर में सबसे न्यूनतम है एसटी। न्यूनतम अनुपात वाले जिले कौन से? डूंगरपुर, ये बीकानेर है न्यूनतम। लिंग अनुपात इनका एससी का लिंग अनुपात है 923 और इनका है 948। सर्वाधिक लिंग अनुपात है एससी में राजसमंद में और इनमें डूंगरपुर में। न्यूनतम लिंग अनुपात धौलपुर में और इसमें धौलपुर में। तो फ्रेंड्स ये हमने बहुत सारे चैप्टर इसमें डिस्कस कर लिए हैं। मुझे लगता है कि ये मोर देन सफिशेंट है। फिर भी अगर आपको कुछ और लगता है कि हाँ कुछ और रह गया है, अभी जो एक पार्ट है रह गया वो साहित्य में बोलियाँ वगैरह राजस्थान की रह गई हैं, अगर आपको लगता है उसकी ज़रूरत है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो क्लास करा दी जाएगी, अदरवाइज मुझे लगता है इसको आप कर लो तो काफ़ी है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और चैनल को अभी भी जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में लिंक शेयर कर दिया करें यार। ठीक है, बाय बाय।